हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, जैसा कि आपका बीए प्रोग्राम असाइनमेंट इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका मैं आंसर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। तो ये उसका आंसर इंग्लिश से का। देखिए, मैं सब कराऊँगा धीरे धीरे, जैसे जैसे मुझे आंसर मिलते आएंगे मैं डालता रहूँगा, ठीक है? देखो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता 18 तारीख को आपका सबमिशन है, तो ये आपको सारा उतारना है, ठीक है? पॉइंट में उतारना कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं तो पैरा ही दे रहा हूँ, जैसे पॉइंट में आप उतारना है इसे। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि अभी आने वाले असाइनमेंट भी है, प्लस सेकेंड ईयर में भी आप थर्ड सेमेस्टर में भी जाओगे, तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी वैल्यूबल होने वाला है। मान के लिए अगर आपने हमें सब्सक्राइब कर लिया, जिस तरीके से अभी हम आपको हेल्प करा रहे हैं, उसी तरीके से आगे भी कराते रहेंगे। बस यहाँ तक आपको कर लेना, ठीक है? थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें। हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, जैसा कि आपका बीए प्रोग्राम असाइनमेंट इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका मैं आंसर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। तो ये उसका आंसर इंग्लिश से का। देखिए, मैं सब कराऊंगा धीरे धीरे, जैसे जैसे मुझे आंसर मिलते आएंगे मैं डालता रहूंगा, ठीक है? देखो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता 18 तारीख को आपका सबमिशन है, तो ये आपको सारा उतारना है, ठीक है? पॉइंट में उतारना कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं तो पैरा ही दे रहा हूँ, जैसे पॉइंट में आप उतारना है इसे। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि अभी आने वाले असाइनमेंट भी है, प्लस सेकंड ईयर में भी आप थर्ड सेमेस्टर में भी जाओगे, तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी वैल्यूबल होने वाला है। मान के लिए अगर आपने हमें सब्सक्राइब कर लिया, जिस तरीके से अभी हम आपको हेल्प करा रहे हैं, उसी तरीके से आगे भी कराते रहेंगे। बस यहाँ तक आपको कर लेना, ठीक है? थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें।